हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवलिंग मंचीज। जब से हम लोग मेरे होम टाउन से आए हैं ना, तब से हमने बैंगलोर का अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो आपको कई बार पहले बता चुके हैं कि बैंगलोर का ब्रेकफास्ट हमें कितना ज्यादा पसंद है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कर्नाटका का एक ब्रेकफास्ट जो पूरी तरीके से बैंगलोर का नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। सो लेट्स गो। तो अब हम आ गए हैं SLV मूल बगल डोसा सेंटर पे। ये तवेरीकेरी में है बट ये एक छोटी सी लेन के अंदर है, तो अगर आप टू व्हीलर पे आएंगे तो ज़्यादा फीजेबल रहेगा। अगर आप फोर व्हीलर में आ रहे हैं तो आपको बाहर पार्क करके वॉक करके अंदर आना पड़ेगा। मूल बगल कर्नाटका का एक छोटा सा प्लेस है जो बैंगलोर से अराउंड 100 किलोमीटर दूर है। ये कोलार के रास्ते में पड़ता है गाइस। तो इस शॉप के जो ओनर हैं ना, वो वहीं से हैं और यहाँ बैंगलोर में काफ़ी सालों से रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने यहाँ का जो डोसा है वो यहाँ खिलाया जाए। और ये जो डोसा है ना, ये काफ़ी फ्लफ़ी रहता है। अंदर जाके देखते हैं कि कैसा डोसा है, क्या क्या वैरायटी है और हमने क्या खाया। देखो कितनी अलग तरीके की इडली है, इसे बोलते हैं छुबली इडली। ये जो बकेट है इसके अंदर ही डाल के इसको स्टीम किया जाता है। ये मेरे लिए काफी नया है। डोसा मेरा आ गया है और आप लोग देखेंगे कितना खूबसूरत डोसा लग रहा है। साथ में इन्होंने दो तरीके की चटनी दी है, एक लाल वाली मिर्ची वाली चटनी है और एक शायद कोकोनट वाली चटनी है। और अंदर से देखिए डोसा लग बड़ा ही जबरदस्त रहा है। तो सबसे पहले खाया जाए और फिर आपसे बात की जाए। इस डोसे में ना दो तरीके के टेक्सचर साफ दिख रहे हैं, एक सॉफ्ट वाला टेक्सचर जो हल्का सा मोटा है और एक एकदम क्रिस्पी वाला। आई गेस उसका जो मेन रीज़न है ना, वो है उनका तवा और उसकी सीजनिंग। उन लोगों ने क्या किया, पहले तवे को अच्छे से गर्म किया, तेल डाला, फिर पानी छिड़का, फिर तेल डाला। जब उसकी अच्छी सीजनिंग हो गई ना और उसके बाद जब डोसे का बैटर डाला तो बीच में क्रिस्प आया और कॉर्नर कॉर्नर से सॉफ्ट, गजब। भी मैंने मसाले के साथ नहीं खाया है, मैं मसाले के साथ खाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कैसा लगा। चटनियाँ दोनों ही बड़ी कमाल की हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेश है। चटनियाँ ना अगर थोड़ी सी भी फ्रेश नहीं होती ना तो आपको खाते ही समझ में आ जाता है। लेकिन यार सही में गजब गजब चटनी बनी है। पहले ना मैंने आपको ये कोकोनट चटनी बता दी थी, ये कोकोनट नहीं है, ये पीनट चटनी है और दूसरी है रेड चिली और अनियन की चटनी। दोनों को मिक्स करके खाइए थोड़ा थोड़ा, वाह मज़ेदार। आंटी ने ना डोसे में अंदर पहले वो रेड वाली चटनी लगाई है अनियन वाली, फिर आलू का पालिया डाला है और फिर डोसा है। तो तीखी चटनी, आलू की सॉफ्टनेस और क्रिस्पी डोसा, ये गलत हो ही नहीं सकता यार। इन चटनियों के साथ लगा के खाओ, कमाल। और इन सब के भी ऊपर इन्होंने जो डोसा बनाया है ना, वो घी में बनाया है। तो आप सोचिए अब क्या गलत हो सकता है इसमें। मेरे पास एक्चुअली वर्ड नहीं है डोसे की तारीफ करने के लिए, मुझे इतना टेस्टी लगा ये। मैंने तो ना पूरा डोसा खा लिया, श्रेय को सिर्फ एक गस्सा खाने को मिला है जो आपने वीडियो में देखा होगा। डोसा एकदम A1 था और प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ था उसका। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी टेस्टी डोसा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेन तो हम यहाँ डोसा खाने के लिए आए थे बट आंटी ने हमें रिक्वेस्ट करी कि हम लोग पोड़ी इडली भी खाएं और उपमा और केसरी भात भी खाएं। बट हमने आंटी से रिक्वेस्ट करी कि अगर वो थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग के लिए दे सकती है तो उतना इनफ होगा। ये क्वान्टिटी नहीं है, क्वान्टिटी अलग रहती है, ये हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। ये घी पोड़ी इडली है, घी अच्छे से आ रहा है और साथ में पोड़ी का स्वाद, वाव A1। इसमें सारी चीज़ें होममेड है, कुछ भी आंटी ने बाहर से नहीं मंगवाया, सब कुछ घर में बनाया और पकाया है। तो फ्रेशनेस ना खाते हुए मुझे एक एक बाइट में फील हो रही है। ये घी पोड़ी इडली पर पीस 20 रुपीज़ है और प्यार से आंटी ने उसे हार्ट शेप में भी बनवाया है। हर बार आपको सिर्फ गोल वाली इडली खाने को मिलती होगी ना, तो आंटी का इनोवेशन देखिए, आंटी ने हार्ट में बनाया है। आंटी का हर्ट की तरह है ये एकदम। वेजिटेबल उपमा में
इनफ वेजिटेबल्स हैं, बहुत स्पाइस में कुछ नहीं आ रहा है, एकदम लाइट फ्लेवर्स का। अगर आपको स्पाइस बढ़ाना है तो आप चटनियाँ ले लीजिए। ओवरऑल वेरी नाइस, इससे अच्छा और हार्टी ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि जो केसरी भात है ना वो आज का स्पेशल है। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बनाना डला हुआ है। और डेली यहाँ की केसरी भात में कुछ ना कुछ आंटी चेंज करती रहती हैं, जैसे किसी दिन मस्क मेलन वाला केसरी भात रहता है, किसी दिन वाटरमेलन वाला, किसी दिन पाइनएप्पल वाला। आज का स्पेशल था बनाना वाला केसरी भात। बनाना का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है और मैंने इससे पहले कभी भी केसरी भात बनाना या कोई बहुत सारी फ्रूट्स डला हुआ नहीं खाया था। और मेरा अभी मन कर रहा है कि मैं कभी आऊँ और वाटरमेलन वाला केसरी भात खा के जाऊँ। बहुत यम टेस्ट है इसका। ये जो अवरे वेले पुलाव है ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा सैंपल करने के लिए लिया है। इतने क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा आती है, बस हम लोगों ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके लिया है कि ताकि टेस्ट करके आपको बता सके। और एक ये वड़ा, आइए देखते हैं। एक चीज़ जो मुझे पूरा थीम लगी आज के खाने में वो है कम्फर्ट। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी के घर में आके घर का खाना खा रहे हो, इतना प्यार और इतना यू नो पैशन है खाने के अंदर। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत कंफर्टिंग है। और मोस्टली जितना भी आइटम हमने आपको दिखाया है वो सब घी में बना हुआ है। वेरी नाइस, चटनी, रायता, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। बट हाईलाइट जो है वो तो ऑब्वियसली डोसा था। और डोसे के अलावा अगर आप सेकंड चीज़ पूछोगे तो वो मुझे लगा वो केसरी भात, बहुत ही टेस्टी था। ये उदीन वड़े है, वही उड़द दाल का अपना वड़ा, ये 10 रुपीज़ का है। आइए देखते हैं कैसा, चटनी के साथ ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया यार, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट जैसा एक वड़ा होना चाहिए। वेरी नाइस। नाश्ता हमारा कमाल का हो गया है और उसके बाद हम कोरमंगला निकला है क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम था। काम स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने वीडियो का कंक्लूजन दे दें। उस प्लेस की सारी डिशेस काफ़ी अच्छी थी बट मुझे सबसे अच्छा लगा वो था इनका डोसा। और इस डोसे के लिए मैं इन गलियों में दोबारा आने को तैयार हूँ और मैं बार बार आऊँगी। और डोसे से भी ज़्यादा अच्छा था आंटी से मिलना। क्या पैशन है यार, आंटी का पैशन देख के ना मुझे लगा कि यार हम तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आंटी किस एज की हैं और कितना अच्छा और मन से खाना खिलाती हैं, वाओ, हैट्स ऑफ टू आंटी। ओनली थिंग इज़ कि जो लोकेशन है वो थोड़ी सी छोटी सी है, तो अगर आप आसपास बीटीएम के रहते हैं तो अपना पार्सल ले जाइए, घर जाके खाइए या फिर आप घर से ही ऑर्डर कर लीजिए, दोनों ही अच्छा है। बट डोसा ज़रूर ट्राई करिए आप। बस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। जब आप लोग हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे तभी तो हम दूसरी दूसरी एरिया घूम पाएंगे, है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आ गए हैं SLV मूल बगलना और फिर डोसा है। नाश्ता हमारा बस आज का वीडियो इतना ही। नहीं नहीं अभी तो खत्म नहीं हुआ, सो लेट्स गो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अरे दोबारा बोले यहाँ से।